कोरोना के कहर ने महासंकट खड़ा कर दिया है। हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर कोरोना की इस दूसरी लहर का कहर कब तक जारी रहेगा, क्या ये लहर पहली लहर से ज्यादा वक्त लेगी। जाने माने वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने कहा कि कोरोना की मौजूदा लहर का असर जुलाई तक बना रह सकता है। भारत में हर हफ्ते लगातार तकरीबन 3.5 लाख मामले दर्ज किए जा रहे हैं। त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंस और अशोका यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत में कोरोना के विस्फोट के लिए कोरोना के नए वेरिएंट्स भी आंशिक रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं। हालांकि कोरोना के म्यूटेंट वर्जन ज्यादा घातक है, इस बात के अभी तक संकेत नहीं मिले हैं। इंडियन एक्सप्रेस के एक ऑनलाइन इवेंट में बोलते हुए वायरोलॉजिस्ट जमील ने कहा कि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भारत में कोरोना पीक पर है। उन्होंने कहा, कोरोना की दूसरी लहर में मामले भले ही अब बढ़ नहीं रहे, लेकिन पीक पर जाने के बाद भी ये इतनी आसानी से नीचे नहीं आने वाली है। इस लहर का प्रभाव जुलाई तक रहने की आशंका है। इसका मतलब हुआ कि अगर ये लहर नीचे आना शुरू हो जाए तो भी हम रोजाना संक्रमितों की बड़ी संख्या देखेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक दूसरी लहर में कोरोना के मामले उस तरह नीचे नहीं आएंगे जैसे कि पहली लहर में देखा गया था। साइंटिस्ट ने आगे बताया कि कोरोना की पहली लहर में लगातार गिरावट देखी गई थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में शुरुआत ही बड़ी संख्या के साथ हुई है। पहली लहर के 96,000 से 97,000 मामलों के मुकाबले दूसरी लहर में 4 लाख मामलों के साथ शुरू कर रहे हैं, तो इसे नीचे आने में ज्यादा वक्त लगेगा। कोरोना के मामले नीचे आने के दौरान हर पॉइंट पर काफी ज्यादा मामले देखेंगे। वायरोलॉजिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि भारत में लोगों ने प्रोटोकॉल्स का पालन न करके वायरस को तेजी से पैर पसारने का मौका दिया है। उन्होंने कहा, पिछले साल दिसंबर में जब मामले काफी कम हो चुके थे, हमने भारतीयों की मजबूत इम्यूनिटी जैसी बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। इसके बाद जनवरी और फरवरी के महीने में जमकर शादियां हुई। इस तरह के कार्यक्रमों से कोरोना संक्रमण बड़े स्तर पर फैल गया। महामारी के बीच चुनावी रैलियों और धार्मिक आयोजनों की वजह से भी दूसरी लहर में मामले ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। जनवरी और फरवरी में जब हमारे पास मौका था, तब पर्याप्त लोग वैक्सीनेट नहीं हो पाए। मार्च के तीसरे हफ्ते में जब मामले बढ़ना शुरू हुए, तब तक शायद हम 2% लोगों को ही वैक्सीनेट कर पाए थे। देश में कोरोना के कहर का हाल ये है कि हर दिन मौत का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है। ये वायरस अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। सरकार की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 3.5 लाख नए कोरोना केस आए और 4,000 से ज्यादा संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 3.5 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।